Hello beta, welcome back. Coming to the finance studies is to wait to learn the concept of physics and this is lecture number 4. Beta, आज हम लोग बात करने वाले हैं transverse wave और उसकी characteristics और इस article को पूरा detail में लिखेंगे. तो pen और copy लेके तैयार हो जाओ और देखेंगे transverse wave क्या है. बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके definition के बारे में, इसको define कैसे करते हैं. बच्चों transverse wave वो wave होती है कि जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. वेरी सिंपल डेफिनेशन, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव कहां फॉर्म होती, स्ट्रिंग के ऊपर. स्ट्रिंग के ऊपर क्या होती, ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होती क्रिस्प और ट्रफ के फॉर्म में. बेटा मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मैंने ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन बताया है. फिर भी मैं आपको एक बार ट्रांसवर्स वेव कैसे फॉर्म होती ये डिटेल बता दूंगा. देखो बेटा ये एक मैंने सपोर्ट या रिजिड सपोर्ट और यहां से मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया. ओके दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज अ पार्टिकल. अभी टाइम t इक्वल टू 0 है तो ये पार्टिकल अपने अपनी ही जगह पर स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. लेकिन मैंने इस पार्टिकल को ऊपर बुलाया t is equal to capital T by 4 समय के बाद में. Is it clear? Okay, ये पार्टिकल आया है ऊपर. अब ये पार्टिकल मान लो ऊपर आया मतलब यहां पे आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो पार्टिकल नंबर 2 यहां पे है. ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 जनरेटर. यहां पे इस पार्टिकल का फेज 0 है लेकिन यही पार्टिकल अब जब ऊपर चला गया तो इसका फेज यहां पे कितना है, कितना है, यस 90 डिग्री. तो इसका कितना है, 0. नेक्स्ट है देखो कि टाइम small t equal to t by 2, t by 2 के बाद में ये पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया तो ये 2 नंबर का ऊपर ऊपर चला गया तो 3 नंबर का यहां पे आ गया. तो ये फॉर्मेशन ऐसा हुआ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर. अभी इसका फेज 90 था, अभी इसका फेज वापस नीचे आया तो मतलब कितना था, 180. इसका 90 तो इसका 0. नेक्स्ट फॉर्मेशन देखो कि small t is equal to 3t by 4 टाइम के बाद में क्या हुआ कि ये पार्टिकल बिल्कुल नीचे आया और 2 नंबर का वापस आया मीन पोजीशन पे, 3 नंबर का ऊपर चला गया, इसने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया और ये पार्टिकल यहां पे जनरेट हुआ. तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, वेव ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर. बच्चों नेक्स्ट फॉर्मेशन देखो कि स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल टी टाइम के बाद में ये पार्टिकल जो नीचे था वो आया मीन पोजीशन पे, 2 नंबर का आ गया नीचे, ये वाला चला 3 नंबर का आ गया बिल्कुल मीन पोजीशन पे, 4 नंबर का चला गया ऊपर, 5 नंबर यहां पे तैयार हो गया. तो ये फॉर्मेशन ऐसा हुआ. तो यही तो बनी है बेटा क्रिस्ट एंड ट्रफ का, ये क्रिस्ट और ये तुम्हारा ट्रफ. सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव. बेटा इसकी खासियत क्या है, आप अगर देखेंगे हर वो पार्टिकल वेव कैसे बनी, हर वो पार्टिकल अपने ही जगह पे क्या ले रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, क्या ले रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, एसेंशियल परफॉर्म कर रहा है और वो भी कैसा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को, कैसा, परपेंडिकुलर. सो दिस इज द ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव वो वे है कि जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव. अब ये पार्टिकल का फेज कितना हो गया, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया तो इसका फेज हो गया 360, इसका हो गया 270, इसका हो गया 180, इसका हो गया 90 और ये हो गया 0. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर ट्रांसवर्स वेव और ये फॉर्मेशन ऐसा ही आगे चलता रहेगा. इज इट क्लियर? तो बेटा यहां पे देखो इसे कहते हैं क्रिस्ट, इसे कहते हैं ट्रफ. मतलब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अल्टरनेट क्रिस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, तैयार होते हैं. तो ठीक है, तो ये हुआ इसका फॉर्मेशन. अब हम लोग बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. तो बेटा ट्रांसवर्स वेव की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बड़ी सिंपल सी है. मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. नंबर 2, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ. क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म में क्या होगा, ट्रैवल होगा अल्टरनेट. तीसरा, क्रिस्ट एंड ट्रफ आर ऑब्टेन्ड
alternately at definite interval of time. इंटरवल ऑफ डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में क्रिस्ट्रफ तैयार होता चला जाएगा. बच्चों चौथा, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली. ये सॉलिड में से ही ट्रेवल करेगा, लिक्विड गैस में करता नहीं. ओके, ये इसकी बहुत मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मिस्टिक से. अब पांचवा पॉइंट बच्चों, पांचवा कि डेंसिटी और प्रेशर में कोई भी चेंज आता नहीं. ये आपको समझाऊंगा कि अगर मान लो ये अपनी वेव है, ओके, और यहां पे ये वन नंबर का पार्टिकल, ये टू नंबर का, ये तीन नंबर का, ये चार नंबर का, ये पांच, वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. हर वो पार्टिकल अपने ही जगह पे क्या कर रहा है बच्चों, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. हर वो पार्टिकल अपने ही जगह पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. कोई पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, मतलब गैदरिंग नहीं हो रहा, कोई एक दूसरे दूर नहीं जा रहे, बस अपने ही जगह पे एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डेंसिटी और प्रेशर में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है. और बेटा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट है कि देखो, ये तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, दैट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, क्रिस्ट, और ये तुम्हारा नेगेटिव जो मैक्सिमम में है नीचे, दैट इज व्हाट, ट्रफ. फिर एक और आएगा अल्टरनेट वेव, तो ये भी तुम्हारा क्रिस्ट हुआ. तो बेटा यहां पे दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जहां पे दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, लेकिन वो दोनों पार्टिकल्स में से हैविंग सेम स्टेट, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये भी कितना होता है, लैम्डा, जो कि मैंने इसके मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ क्या है. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन दो सक्सेसिव क्रिस्ट क्रिस्ट या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज द वेव लेंथ. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. बच्चों एक चीज, इसके स्ट्रिंग में टेंशन है टी, वेव की जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है, टी, और इसका म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ. स्ट्रिंग में टेंशन है टी और इसका मास पर यूनिट लेंथ जो डिनोट करते हैं कैसे, म्यू से, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ. तो इस ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू. तो इसी लेक्चर में बेटा हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है अंडर रूट कैपिटल टी बाई म्यू, ये कैसे तैयार होती है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है. ठीक है, तो आओ बेटा अब काम करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव के बारे में. हियर कैपिटल टी इज व्हाट, टेंशन द स्ट्रिंग, एंड म्यू इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ. बेटा अब हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का डेरिवेशन, जो कि बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखना, आपने पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको मेरे साथ पढ़ना भी है और लिखना भी है. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का डेरिवेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल टी बाय स्मॉल यू. कैसे ये फॉर्मूला तैयार होता है देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन ऐसा है, क्रिस्ट्रफ ऐसा ही चलता रहता है. इज इट अल्टरनेट क्रिस्ट्रफ फॉर्मूला, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ने डिस्कस किया. अब बेटा ये ट्रांसवर्स वेव का मैं एक पल्स कंसिडर करूंगा. पल्स मतलब क्या, इसका एक पोर्शन. अब ये कैसा है, अल्टरनेट, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसे ही ट्रैवल होते रहेगा ना. ओके, मैंने इसका एक पल्स कंसिडर किया. चलो मैं इसका ये ऊपर वाला पल्स कंसिडर करता हूं, जो कि कुछ इस तरह से है. ओके, ध्यान दो ज्यादा बड़ा हो गया इससे छोटा. अब बेटा मैंने क्या किया, यहां पे एक पार्टिकल कंसीडर किया. ओके, और अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन दिस पल्स, एक बंदा इस पल्स पे खड़ा है. अब बेटा दो चीजें हैं, अगर मैं पल्स पे खड़ा रहके अगर मैं
पल्स की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देखू तो मुझे क्या नजर आएगा कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पल्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको देखू, पल्स पे खड़ा रह के देखू, पल्स की फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, पल्स पे खड़े रह के अगर इसको देखू तो मुझे ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है। लेकिन यहीं से अगर मैं नीचे उतर जाऊं और ग्राउंड से इसको देखू तो मुझे ये पल्स क्या दिखेगी, SHL परफॉर्म कर रही थी अपनी ही जगह पे। इज इट क्लियर? दो बातें हैं, एक पल्स की फ्रेम और एक ग्राउंड फ्रेम। पल्स की फ्रेम से देखेंगे तो ये तो आपको सर्कुलर मोशन नजर करता दिखेगा ये पार्टिकल, अगर ग्राउंड से देखेंगे तो ये आपको पल्स SHL परफॉर्म करते हुए दिखेगी। लेकिन अभी हमको बारे में क्या करना है, अभी हमको कंसिडर करना है कि हम इसको पल्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखेंगे तभी प्रूव होगा। ठीक है बेटा, तो आओ अब दिमाग में सेट हो गया कि हमें कैसे देखना है, पल्स के फ्रेम से। अब पल्स के फ्रेम से देखना है तो मैं इस पोर्शन को, ये मुझे सर्कुलर मोशन नजर आ रहा, अब ये सर्कुलर मोशन नजर आ रहा है तो इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। ये इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ये है, इसको मैंने जोड़ दिया, दैट इज व्हाट रेडियस। ओके, और इसका बिल्कुल इसको मार्क किया, ये एंगल डेल थीटा है, ये भी एंगल डेल थीटा है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज व्हाट डेल है। इतने ही पोर्शन को मैं बाहर निकाल लेता हूं, इसको थोड़ा जूम कर दूंगा, आप देख सकते हो। अब देखो यहां पे, यहां से यहां तक का पोर्शन दैट इज व्हाट डेल एल। ओके, ये एंगल तुम्हारा डेल थीटा है, ये भी एंगल तुम्हारा डेल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, इधर भी टेंशन है टी, इधर भी टेंशन है टी। डायग्राम को बड़े ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब ये एंगल तुम्हारा डेल थीटा है। ओके, अब यहां पे देखो आप क्या होगा कि अगर यहां पे टेंशन है, टेंशन होता है दो पार्ट में रिजॉल्व, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, ये एंगल, ये अगर एंगल थीटा है तो तुम्हारा ये भी एंगल कहेगा डेल थीटा कहेगा। ओके, और ये अगर 90 है तो ये बचे वाला आएगा 90 माइनस डेल थीटा, तो ये आएगा आपका डेल थीटा वाला एंगल। इज इट क्लियर? आपको एंगल्स की प्रॉपर्टीज पता है, ये डेल थीटा है तो ये भी डेल थीटा है, ये 90 माइनस डेल थीटा है तो ये वाला कहेगा ये का पर, ये इसको बिल्कुल 90 है तो उसमें का ये डेल 90 माइनस डेल थीटा है तो ये कितना है आपका डेल थीटा। तो टेंशन दो पार्ट में रिजॉल्व हुआ बच्चों, एक हुआ टी कॉस डेल थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन डेल थीटा। मैथमेटिक्स की साइन कॉस की प्रॉपर्टीज आप लोग अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिमिलरली जिस तरह से हमने टेंशन को इधर रिजॉल्व किया, ये टेंशन इधर भी रिजॉल्व होगा हॉरिजॉन्टल और ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड। एक होगा टी साइन डेल थीटा, एक हो जाएगा टी कॉस डेल थीटा। बच्चों ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये डेल टी कॉस डेल्टा, टी कॉस का जो एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है, सो दे गेट कैंसिल आउट, दे गेट कैंसिल आउट। तो फिर नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा है, टी साइन डेल थीटा, टी साइन डेल्टा दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर है। और यहां पे सेंट्री, ये टुवर्ड्स द सेंटर है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स पता ना आपको, द फोर्स व्हिच गिव्स द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर ये है, जो कि सेंट्रल फोर्स है। तो यहां पे कंडीशन क्या आएगी, यहां पे जो कंडीशन आएगी, अब वो कौन प्रोवाइड कर रहा नीचे, ये दो कंपोनेंट टी साइन थीटा, टी साइन डेल्टा और टी साइन डेल्टा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 2t साइन डेल्टा। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स से मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, CF क्या मेरा सेंटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, 2t साइन डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको मैंने इक्वेट कर दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, ये वाला जो एंगल था मेरा, ये वाला एंगल आप देखो, ये दोनों एंगल, ये दोनों मिला के कितना हुआ मेरा 2t डेल थीटा, ये वाला एंगल, ये लेंथ थी मेरी यहां से यहां तक की, दैट इज व्हाट डेल एल, और रेडियस है आर। एंगल की डेफिनेशन आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर का अपॉन लेंथ। सो 2 डेल थीटा, मैं इसको यहां पे लिखूंगा, 2 डेल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डेल एल अपॉन आर, डेल एल अपॉन आर, आगे मुझे इसका काम करने वाला है। ठीक है, अब बच्चों साइन थीटा मुझे ये भी पता है कि इफ डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मुझे बताओ ये जो पल्स थी, ये जो पॉइंट मैंने यहां पे लिया था पी पॉइंट, ये बहुत कम डिस्टेंस था ना, यहां से मैं बहुत कम डिस्टेंस था ना, ये तो मैंने जूम किया ना डायग्राम इतना बड़ा दिख रहा, तो ये एंगल बहुत छोटा है ना,
ये वाला जो एंगल है बहुत छोटा है. इफ डेल थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा, देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा. तो यहां पे मैं बोलूंगा इफ डेल थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन डेल थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? डेल थीटा. तो मैं यहां पे इसको रिप्लेस कर दूंगा. रीजन दे दिया मैंने, मैंने रीजन क्या दिया कि डेल थीटा इज वेरी स्मॉल और वाकई में बहुत छोटा है. वो तो डायग्राम को जूम करना था, आपको सिखाना था, इसलिए डायग्राम को बढ़ा दिया तो एंगल बता दिखा, बल्कि एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा एंगल. और एम सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला आपको बताइए क्या है फॉर्मूला? एम वी स्क्वायर बाय आर. अब इसका मास, ये स्प्रिंग का मास कितना लूंगा मैं? वो मैं लूंगा, अगर लेंथ इसकी डेल एल है, डेल एल है तो मास भी लूंगा डेल एल. तो डेल एम वी स्क्वायर बाय सॉरी कैपिटल आर. ओके, अब ध्यान दो बेटा, ये टी को ले लिया हमने इस साइड इनटू व्हाट? टू टाइम्स डेल थीटा, देन एम वी स्क्वायर बाय आर. बच्चों डेल थीटा कितना है? टू टाइम्स डेल थीटा कितना है मेरा? डेल एल अपॉन आर. सो इंस्टेड ऑफ दिस हियर वी राइट, इसके जगह मैंने पुट कर दिया डेल एल अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू. अब ध्यान दो बेटा, मुझे पता है मेरा म्यू कितना है. म्यू का फॉर्मूला क्या है? म्यू क्या था मेरा, मैं इसको यहां पे लिखूंगा. देखो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ. इज इट क्लियर? अगर मैं इसको डेल लगा दूं तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? डेल एम अपॉन डेल एल. तो यहां से डेल एम कितना हो जाएगा मेरा, क्रॉस कर लिया म्यू इंटू डेल एल, म्यू इंटू डेल एल. तो डेल एम के जगह मैंने पुट कर दिया म्यू इंटू डेल एल वी स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाय कैपिटल आर. दोनों साइड का आर आर गेट कैंसल, डेल एल डेल एल गेट कैंसल. तो क्या बचा? T is equal to what? Mu V square. T is equal to what? Mu V square. तो बेटा अब आप देख सकते हो next step हम पहुंच गए हमारे end में. तो यहां पे V square is equal to क्या आएगा? Mu जाएगा इसके नीचे, T by mu. तो therefore V is equal to क्या आएगा? Under root T by small u. Most important formula. This is the formula of velocity of transverse wave. V is equal to what? Under root T by small u. Here T is what? Tension in the string. Or mu is what? Mass per unit length. So this is all about the velocity of transverse. इस आर्टिकल को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो. तब तक मत छोड़ो जब तक ये आपको दिमाग में सेट नहीं हो जाता. ओके, इसको आखिर तक देखो पूरे पूरे वीडियो को और एंजॉय करो. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.